Welcome to Canada TV. This is Amrit, and today we're going to talk all about cars. And I'm an avid lover of cars. मुझे cars बहुत अच्छी लगती हैं. हालांकि मुझे knowledge बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है. अब आप सोचिए, अगर आप India में हैं, तो क्या आपने कभी सुना है मम्मी पापा को ये कहते हुए, मामा मुझे कार लेनी है, लेकिन मुझे pre-owned कार लेनी है. It doesn't happen like that. इंडिया में कोई इस तरीके के ऑप्शंस नहीं लेना चाहता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कनाडा, इट्स अ गेम चेंजर. कनाडा में हम लोगों को, नए इमिग्रेंट्स को या किसी को भी कार की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज अ वेरी ऑब्वियस रीज़न, जियोग्राफिकल रीज़न. जगहें बहुत दूर हैं. लोकल ट्रांसपोर्टेशन हालांकि बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है इनफैक्ट आई वुड से, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाती है. क्लाइमेटिक रीजंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ इतने हार्श वेदर होते हैं, यू नीड अ कार, या फिर फैमिली या लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको एक व्हीकल अपने घर में चाहिए. लेकिन जैसे मैं बात कर रही हूँ प्री ओन्ड कार की, यस, कनाडा में प्री ओन्ड कार का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है और लोग प्रेफर भी इसीलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ऑफकोर्स आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक अबाउट इट. आई हैव विद मी जेन्युइन एंड बहुत ही इस तरीके के ब्रेन्स आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए अगर आपने सोचा है यू वांट टू बाय अ प्री ओन्ड कार, और किस तरीके की डिफिकल्टीज अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट. सो आई हैव विद मी राइट हियर रिप्रेजेंटिंग कार बॉयज, अ न्यू बिजनेस इन टाउन जिसकी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं. विपाश इज सिटिंग इन राइट फ्रंट ऑफ मी एंड तनवीर. सो वेलकम टू द शो, दिस इज कनाडा टीवी. So how are you feeling? Good. Revving. Ready to rev. Oh, okay. Yeah. All right. तो car boys. नाम तो बहुत interesting है, लेकिन car boys का नाम रखने के पीछे what was the brain behind it? I think हमने काफी शायद एक दो महीने भी we spoke to a lot of friends. We wanted to understand what will work. In the end, तनवीर ने बहुत उसको सिंपल कर दिया था कि वी आर जस्ट टू बॉयज हु लव कार्स एंड वी आर ट्राइंग टू सेल कार्स. तो एंड दिस इज आई थिंक दैट वाज दैट जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड. इफ यू जस्ट आस्क अस हु आर यू, वी से वी आर द कार बॉयज. द कार बॉयज, टू पीपल सेलिंग कार्स, द कार बॉयज. आई जेन्युइनली लव द नेम, इट्स सिंपल एंड येट वेरी स्ट्राइकिंग. अच्छा है, कैसा चल रहा है आप लोगों का बिजनेस? हाउ हैज इट बीन, और कब से स्टार्ट किया आपने? We've been revving since January this year. It's been about 7 months. And journey has been so good so far. Customers ne bahut pyar diya hame. And we have grown in number of inventory, number of sales. We are trying to sell more cars, more good cars to the customers to change the norm. अच्छा, और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? व्हाई डिड यू थिंक कि एक कार डीलरशिप में हमें जाना चाहिए, एंड व्हाई टू ऑफ यू फ्रेंड्स डिसाइडेड कि चलो ये वाला बिजनेस करते हैं, कंसीडरिंग देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर. ऑफ कोर्स, या कंपटीशन इज एवरीवेयर. कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो सैचुरेटेड नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर ब्रिंगिंग इन द डिफरेंशिएशन टू ब्रेक द नॉर्म्स, यू आर गोना स्टैंड आउट. But how did it start? I guess Vipasha, batao wo wali story. Story, I love stories. Goes back to what, 2012 maybe, 2011. I was Tanvir's first boss. Boss? Yeah. Oh yeah. मतलब वो title boss था, but I think हम पहले 2-3 दिन में हमें पता चल गया था that we are friends. अच्छा. तो but we've always worked in the automotive industry. Tanvir had Bombay में used car का business था. All right. So he understands the ins and outs of how the business works, गाड़ियाँ अच्छी कैसे उठानी है. And I have always worked in the automotive industry. This is all we know. Like अगर मेरे को बोलेगा कोई कुछ और कर सकते हैं, I don't have that skill. तो मैं लगा अगर कुछ अपना business करना है तो जो हमें समझ आता है, जो हमें पसंद है. But you come with a vast knowledge. Background आपका हमेशा से automobile रहा. So जब हम इंडिया में थे, we used to work for a consultancy company जो ऑटोमोटिव कंपनीज को सिखाती थी कि डीलरशिप का बिजनेस कैसे रन करते हैं. Our clients were all big manufacturers like Audi, Mahindra, Multi. We worked up मल्टीपल ब्रांड्स, प्रॉफिटेबली कैसे चलाना है डीलरशिप बिजनेस, कार्स कैसे कस्टमर्स को समझानी है. तो फिर एंड देन आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम हमें लगा कि यार जब डीलर्स को हम ये सिखा सकते हैं कि काम कैसे करना है, तो हम भी अपना कुछ शुरू कर सकते हैं. हमें गाड़ियाँ पसंद हैं, गाड़ियाँ चलाने को मिलेंगी, कस्टमर से सारा टाइम गाड़ियों की बात करनी पड़ेगी. एंड देन वो थियरी में कहते हैं ना, इफ यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लाइक
then yeah. you're not working for then you're not working you feel ki ye fun wala job hai ha wo abhi thoda sa initial I think setup period bahut hectic hota hai I know I can understand how was this journey jahan aapne shuru kar diya tha dimag mein ek planning alag hoti hai but uska ecosystem build karna is completely different of course yeah to kis tarah ki difficulties aayi when you thought you know we are going to start our dealership Cowboys it's very difficult unlike India there are very stringent processes in North America सो इंडिया में आपने रात को सोचा मुझे बिजनेस शुरू करना राइट बट देन यहाँ पे गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ रेगुलेशंस इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड ओम्बिक ओम्बिक दैट रेगुलेट्स हु कैन सेल कार्स इन द इंडस्ट्री नॉट एवरीवन कैन सेल सो आपको उनके प्रोसेस से जाना पड़ता है विच टुक अबाउट 9 months इट टुक अस 9 months टू क्लियर ऑल द स्टेप्स विद ओम्बिक एंड देन फाइनली व्हेन वी गॉट आवर डीलरशिप लाइसेंस हमें था कि इसको हम झंडा बना के लहरा दें क्योंकि वी हैव अर्न दिस एंड Yeah, and that is how we started. We started in the winter months, which generally people don't suggest because winters are slow. But हमें market के norms तोड़ने की आदत है, हमने बोला we'll go for it. So how was it? जब आपने winters में वो norm तोड़ दिया, तो सही रहा? Yeah, हमें starting response अच्छा मिला. Obviously winters are slow. They were not as fast as we couldn't. In any business, I exactly would say. Yeah. So winters को summers तो नहीं बना पाए, but for a winter business, we started really well. हमने कुछ काफी अच्छी गाड़ियाँ अच्छे प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी पे अच्छे लोगों को बेची एंड दे हैव बीन लविंग अस सिंस देन बहुत सारे रेफरल्स आए हैं उन्हीं से जिन्हें अब हम समर्स में गाड़ियां बेच रहे हैं आई थिंक रेफरल्स की जब हम बात करते हैं कनाडा में एवरीथिंग दैट यू डू इज रेफरेंस से ही चलती है भैया यहाँ पे चीज़ें यहाँ जॉब भी आपको रेफरेंस से ही मिलेगी तो जितना हो सके कनेक्शन आप बनाइए नेटवर्किंग करिए दैट इज हाउ देयर बिजनेस ऑल्सो वर्क्स एंड ब्लूम्स प्री ओन्ड कार्स की जब हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू अ ब्रांड न्यू लग्जरी कार या कोई भी ऐसी सेडान या एसयूवी एनी कार क्यों आपको लगता है हालांकि लोगों को पता है कि प्री ओन्ड कार्स क्यों इतनी ज्यादा फेमस है और क्यों लेनी चाहिए बट आप आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर माउथ आई थिंक दो टू एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन राइट देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड देन देयर इज एन इमोशनल एस्पेक्ट बहुत से लोगों को इमोशनली सिर्फ नई गाड़ियां ही समझ आती हैं दे वांट समथिंग न्यू इन देयर हाउस एंड दैट्स फाइन लाइक इट्स एन इमोशनल डिसीजन इट्स अ बिग इमोशनल डिसीजन तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जस्ट से कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ न्यू कार लेनी है बिकॉज मेरे को नई गाड़ी चाहिए अपने घर में लेकिन फाइनेंशियली व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट इट फाइनेंस सो वन द डिफरेंस बिटवीन इन दैट इमोशनल डिसीजन आल्सो इज दैट द काइंड ऑफ कार्स यू गेट हियर वर्सेस द काइंड ऑफ कार्स आपको इंडिया में जो मिलते हैं यूज्ड वो क्वालिटी ऑफ कार्स का बहुत डिफरेंस है यहाँ की रोड और सड़कें भी काफी ज्यादा अच्छी हैं लोग भी काफी अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो गाड़ी की मतलब ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे पीपल मेंटेन देयर कार्स यूजुअली गाड़ियाँ अच्छी चलती हैं इंडिया अगर आप यहाँ पे टैक्सीज भी चला रहे हो एज राइड शेयर भी चला रहे हो तो भी यूजुअली गाड़ियाँ बहुत साफ होती हैं कंपेयर्ड टू एनी नॉट जस्ट इंडिया लाइक बट एनी ग्रोइंग कंपनी राइट कंट्री तो लाइक इमोशनली भी एज वेल आई थिंक वो थोड़ा गैप ब्रिज हो जाता है यहाँ पे बिकॉज देन पीपल सी अ स्लाइटली न्यूअर कार एंड दे फील दैट इट्स नॉट अ यूज्ड कार बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक फाइनेंशियली व्हाई इट मेक्स सेंस इज दैट वन एंड इट्स डिफरेंट फॉर एवरी कार वी कैन नॉट जनरलाइज बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट एक तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हो द मिनट यू ड्राइव इट आउट ऑफ द डीलरशिप देयर इज हैवी डेप्रिसिएशन एंड यू कांट गेट दैट मनी बैक एंड व्हेन यू गो एंड सेल दैट कार इन 4 इयर्स टाइम दैट डेप्रिसिएशन विल हिट यू बिल्कुल इट विल कम बैक यूज्ड कार्स में डेप्रिसिएशन अब एक तो बाद में भी कम होता है लेकिन अप फ्रंट एज वेल यू सेव ऑल दैट मनी $10,000-$50,000 एंड इफ यू गेटिंग अ गुड कार व्हिच यू नो यू बाइंग फ्रॉम अ रिलायबल डीलर देन दैट decision becomes a little easier. तो I think ये gap है कहीं ना कहीं लोगों को ये knowledge नहीं है maths के बारे में थोड़ा सा आप भी गणित लगाइए जब you know when we also started looking for cars ये जब finance की पूरी बात आ रही थी तब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही थी तो that is how you know I would always say कि अगर आप नए नए आए हैं तो please pre-owned car की तरफ ही जाइए cost effective है पैसे भी आपकी बचाएगी और इतनी सरदर्दी भी नहीं है जैसे कि उन्होंने depreciation की बात करी है और चलिए अगर मैं ये बात करूं कि एक प्री ओन्ड कार की जो चेकअप होती है आपके यहाँ पे लाइक पीपल प्रेफर कार फैक्स तो आपकी कुछ इंटरनली है इस तरीके की प्रोसेस सो कोई भी गाड़ी लेने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से देखने चाहिए वन इज एज यू मेंशन कार फैक्स में आपको आपकी गाड़ी के किलोमीटर हिस्ट्री एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉल्स कैसे यूज हुई है कब सर्विस हुई है सब मिल जाएगा दैट इज वन थिंग अदर थिंग दैट यू check is a UVIP, which is a used vehicle information package.
that is only required when you're buying a used car privately. Used car dealer के साथ वो आप टेंशन used car dealer पे छोड़ देते हो. उसके अलावा जब आप सर्विस हिस्ट्री गाड़ी की देखते हो आपको वहीं से पता चलता है कि गाड़ी कितने प्यार से रखी हुई है. अच्छा, लेकिन इतना पता चलता होगा? बिल्कुल. एक कारफैक्स रिपोर्ट आप खोल के देखो. हाँ. And you just go to the details of them, you'll get all the everything over there कि गाड़ी में क्या यूज हुआ, कहाँ कहाँ पे सर्विस हुई है. Like if a car has been serviced at the same dealer, then you know that the car has been maintained really well. तो आपको पता चल जाता है. बहुत बार अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो then there is always that doubt ki information missing ki ideally there should be all that information. Right. So government ki side se processes are OMVIC ki side se there are processes which safeguard consumers from not getting scammed. Right. But I mean there are just for example agar aap kisi used car dealer se gaadi khareed rahe ho aur us gaadi ke upar pehle $3,000 se bade ka claim hai, he has to declare it to you. Oh, yeah, it has to be. I can't sell you a car without mentioning on the bill of sale ke gaadi pe $3,000 se zyada ka kaam hua hai. So $3,000 se under ka kaam is very chota mota kaam. Achha. You shouldn't be worried about it. But agar 3,000 se upar ka kaam hai, aapko lage ye gaadi pe zyada chot lagi hui hai. Maybe not in every case, you know, with all the insurance scams going on out there. Yeah. इंश्योरेंस स्कैम्स और मैं कार थेफ्ट के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहती हूँ. कार थेफ्ट सिर्फ न्यू कार्स में होता है या प्री ओन्ड कार्स में भी हो रहा है? सब में हो रहा है. डीलरों से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, डीलरशिप से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं. तो मतलब वो दैट इज अ पैरेलल इंडस्ट्री. मतलब उनको भी अपना घर चलाना खाना. We are not supporting that. But अच्छा, लोगों का ये कहना है कि इंश्योरेंस वाले तो भाई मिले हुए हैं कार थेफ्ट एंड एवरीथिंग इज इंश्योरेंस वाले मिले तो नहीं हुए क्योंकि पैसा तो उन्हीं की जेब से जा रहा है. मतलब व्हाई आर दे सेइंग दिस? इंश्योरेंस कैसे काम करती है? इंश्योरेंस इज अ पूल ऑफ मनी जो वो सबसे लेंगे और जिसका नुकसान हुआ उसको दे देंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस की जब भी गाड़ी किसी की चोरी होती है, आप ये मत सोचो कि मेरी गाड़ी नहीं चोरी, वो गाड़ी का पैसा कहीं ना कहीं आप भी दोगे. एग्जैक्टली राइट. सो उससे कंपनी में प्रीमियम बढ़ जाते हैं इंश्योरेंस के, तो इनडायरेक्टली कोई और दे रहा है. But sorry, I just wanted to come back to the other point जो आपने पूछा था. So one, there are checks and balances in place and all dealers have their own. I think what we try to do is we don't have 100 car inventory. We have a 30 car inventory. अच्छा. And Tanveer has this saying कि Tanveer गाड़ी को भिंडी की तरह खरीदता है. एक-एक को देखता है. चुन-चुन के. टमाटर को हर तरफ से देखता है. That's very nice actually. And it is a function of one, we got into this industry because we like cars. हम तो अगर हम अपने काम में अगर हम वो सब नहीं करेंगे तो हमें ही मजा आना बंद हो जाएगा. तो we know each and every car. अगर हमारे पास कोई कस्टमर आए उसमें कोई कमी पेशी भी होगी तो हम बता देंगे बस ये प्रॉब्लम है. लेकिन this won't hurt you. Like वो ट्रांसपेरेंसी की उसमें बता देंगे. एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग नॉट अ मैसिव इन्वेंटरी. सो 30-40 कार्स बट वी नो ईच एंड एवरी कार. कंसंट्रेशन आपका. मेरे पास 150 गाड़ियां होंगी, आई कांट चेक ऑल ऑफ देम, बट मेरे पास 20-30 गाड़ियां हैं, आई कैन नो ईच एंड एवरी कार. कैपेसिटी बढ़ाने से बेटर है इज दैट यू लुक फॉर द क्वालिटी. वारंटी किस तरीके की? आपसे री वारंटी कुछ मिलेगी अगर हम आपसे प्री ओन्ड कार लेते हैं तो? सो अगर ज्यादा करके जो प्री ओन्ड कार्स होती हैं, इफ यू आर नॉट बाइंग अ वेरी ओल्ड कार, इट्स स्टिल अंडर मैन्युफैक्चरर वारंटी. बट अगर वो गाड़ी मैन्युफैक्चरर वारंटी में नहीं है तो हम अपनी हर गाड़ी पे 1 साल की वारंटी देते हैं फ्री. ओह ओके, दैट्स अमेजिंग, वेरी नाइस. अच्छा, इस तरीके का जो आजकल, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट जैसा हम सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट वी सी related to automobile or जिस तरीके की आपकी services आप provide करते हैं, car dealership basically, there are so many reels that you get to see जहाँ पे जब तक लड़की के हाथ से वो चाबी नहीं जाएगी customer को, या मिठाई का डब्बा लड़की नहीं लेकर आएगी, जब तक वो customer को नहीं खिलाएगी, तब तक वो मतलब वो dealership शाहरुख खान लक्स बेचता है, सबको पता है भाई वो लक्स नहीं लगाता है. इट वर्क्स, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इट स्टार्ट्स टू बिकम अ बिगर प्रॉब्लम जब कस्टमर्स आर ओके विद पेइंग दैट प्रीमियम. उसका पैसा कहां से आएगा? मतलब कहीं से तो आएगा. आई थिंक ये तो फिर भेड़ चाल में वाली बात हो गई है कि लोग बिल्कुल. एंड इट वर्क्स फॉर सम, एंड इट्स बीन हैपनिंग सिंस एजेस. मतलब बॉलीवुड में हीरोइंस प्रोडक्ट्स एंडोर्स करती हैं एंड पीपल वांट टू बाय दोस समहाउ. वो यहां पे भी ट्रांजिट, अब अगर वो ट्रांजिट हो रहा है, वी विल सी एट अ
छोटा छोटा बिजनेस है वो बड़े ब्रांड्स ऑडी ब्रांड की तरह हीरोइन नहीं अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली, बट व्हाट विल दे गो फॉर द लोकल इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स राइट, सो दीस पीपल हु आर कमिंग एंड एंडोर्सिंग देयर बिजनेस आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग एट अ हायर लेवल. But I understand you want to stay up to date with the trend that is happening in the market. लेकिन कहीं ना कहीं इससे quality में नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि you have the quality. No, but so someone who exactly. is asking for higher. जब तक आपके expenses कम होंगे अपने business की तरफ तब तक आप बाकी चीजों पे concentrate करके good price में good product दे सकोगे. If I have to do that, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अभी नहीं करता. I don't know what will the future hold for me, right? But then as long as I am able to still give my product to the customer at the right price, why not? Yeah, I think right price is, it's not about being the cheapest in the market. There is always a right price. It's usually a range. But yeah. वही मैं कह रहा था, जब मतलब ये होता है ना कि customer doesn't realize कि they're paying $5,000 extra just for that. Glamour, right. तो थोड़ा सा मतलब imbalance हो जाता है in the entire industry. एंड अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखो, जो बिजनेस ये कर रहे हैं ठीक है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर वो मांग रहे हैं, राइट? सो द प्रॉब्लम इज मोर सप्लाई चेन वाला हो गया, ऑन द कस्टमर साइड प्रॉब्लम इज मोर ऑन द अदर साइड बिकॉज़ द पोल इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. व्हाई डिड वन स्टार्ट एंड एवरीवन एल्स स्टार्टेड डूइंग इट अगेन? बिकॉज़ इट डिमांड्स, राइट? बिकॉज दे नो कि एक ने किया और वो चला और सब वो मांग रहे थे तो हम भी वो दे देते हैं. सो हाउ आर यू एक्चुअली टेकिंग ओवर? तो हमें लगा कि अब सब ये कर रहे हैं तो कोई तो होगा जिसको नहीं चाहिए, जिसको एक्चुअली गाड़ी चाहिए होगी और गाड़ी सुंदर चाहिए, सही प्राइस पे चाहिए. People. And it's a very like market, सबको ये लगता है कि dealers तो बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ा easy. It is a very very difficult business from an operational efficiency point of view. Like it is a very very difficult business. And people don't get to see that. इसलिए ऐसे आप किसी से भी generally बोलो ना, अरे यार हम used car dealer, अरे तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा यार, अरे तुम्हारे पास नहीं, ऐसा नहीं होता है. मतलब इवन जो बड़ी डीलरशिप्स भी खोल के बैठे हैं वो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं एंड देयरफॉर दे हैव टू. If I am sitting with a stock of 150 cars, तो मेरे को 10 लोग भी रखने पड़ेंगे ना, उन 150 गाड़ियों का ध्यान रखने, मेरी इंश्योरेंस भी उतनी महंगी होगी, मेरे जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो वेरिएबल होने चाहिए वो सब फिक्स्ड हो गए, एंड देयरफॉर मेरी कॉस्ट बढ़ गई है. तो बट दिस बिजनेस इज डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल बिजनेस. कंप्लीटली आई थिंक लोगों को ये नहीं पता है, बट आई होप इस पॉडकास्ट के जरिए आपको पता चल जाए कि भाई यार इतने पैसे ही पैसा नहीं है, कि हम पैसे लेके अयाशी कर रहे हैं. अयाशी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. वो जो चुन चुन के गाड़ियां भी लाई जा रही हैं हम छोड़, एंड वेरियस ब्रांड्स यू कीप राइट, और जिस तरीके से आपकी वेबसाइट अगर कोई चेक करता है, आई थिंक इट्स अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस. आई हैव बीन थ्रू दैट. मैंने देखी है कार बॉयज की वेबसाइट, इट इज ब्यूटिफुली डिजाइंड, हाउ यू कैन एक्चुअली व्यू ऑल द कार्स, वो भी रियल टाइम. मुझे ऐसा लगता है मैं रियल टाइम पिक्चर्स देख रही हूँ. कोई किसी तरीके छलावा नहीं है, कोई एडिट्स नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फेयर. और आपने ये कैसे सोचा कि जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे, यू नो दिस एंड दिस, कि ये कस्टमर सोच सकता है वो मुझे इसमें डालना है? आई थिंक हम थोड़ा, एक तो ब्रांडिंग जनरली हमें थोड़ी पसंद है. हम व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर वी यूज्ड टू डू दिस वर्क फॉर अदर ओएमस, तो हमें मैन्युफैक्चरर्स, तो हमें समझ आता था ब्रांडिंग, और जनरली ब्रांडिंग पसंद भी. हमने लोगो पे अपने बहुत टाइम लगाया, हमारा लोगो हमें ऐसा लगता है कि बहुत अलग और एज अ सिंगल यूनिट दिखता है कंपेयर टू हाउ अदर लोगोज आर. सबने साइड प्रोफाइल के, तो हम ब्रांडिंग हमें थोड़ी सी समझ आती है शायद, और हमें पसंद है ब्रांडिंग, तो इसलिए एंड वी वांटेड टू देन एक्सटेंड दैट एलिमेंट इनटू आवर वेबसाइट एज वेल. तो हमने थोड़ा गेमिंग वर्ल्ड से थोड़ा, हमारे अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो सेफ हाउ, मतलब देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड नॉमेनक्लेचर, बट उसको थोड़ा पेपी और थोड़ा अप मार्केट फील देने के लिए हमने वो सब यूज़ किया है. हमने ये देखा कि हम गाड़ी लेना चाहेंगे तो कैसे लेना चाहिए. Exactly. Like-minded people who like cars, how would they buy cars? नहीं, this is very nice that you understand the consumer as a consumer yourself. जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे, you cannot do your business. Very well said. अच्छा, अगर कोई बिल्कुल ही zero down payment पे उठाना चाहता है car, is there any option or you have to pay a certain amount? There's 100% an option. आपकी हमेशा गाड़ी zero down payment पे मिल सकती है. It all depends upon your income, your credit score. And what do you want to do with that money? Like a lot of times down payment makes sense. अगर मेरे को कहीं $5,000 down payment करनी है, लेकिन instead of that down payment, मैं वो $5,000 कहीं और डाल के I can get a 20% return on my money, 15%. Then
then I should not make the down payment क्योंकि मैं usually bank से 7% 8% पे interest लूँगा. अगर मैं I can make more from that money, then we would suggest don't go for a like don't make a down payment. But बहुत बार students specially like students exactly they need money upfront. तो उनके लिए it is the best choice is to go with zero down payment and it like. But we still tell everyone कि अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, then it's better अपने पैसे पे इंटरेस्ट मत दो, डाउन पेमेंट कर लो. हाँ, exactly. It's a better option anytime. But yes, students, if you still feel, why don't you visit Cowboys? अच्छा, Cowboys में अभी फिलहाल कौन सी ऐसी नई वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं? मतलब बहुत ही सुंदर एकदम आपने चमका के रखा हुआ है. प्री ओन्ड ही है भले. हमने कल एक बहुत सुंदर और आई थिंक सबकी काफी फेवरेट गाड़ी फोर्ड मस्टैंग कन्वर्टेबल. तो वो हमारे पास Audi की Q7 है. Very nice. But then we still cater to the cars that appeals everyone. आपके पास Honda, Toyota, Hyundai की कोई भी गाड़ी हो, very reliable cars. हम सबको एक बात जरूर बोलते हैं कि गाड़ी अपनी पॉकेट देख के देना, लोगों की शक्लें देख के. लोगों की, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली हार्श रियलिटी है. लोग ये करते हैं, लोगों को शोषा करने के लिए वो गाड़ियाँ चाहिए. हम कई बार लोगों को वापस भेज देते हैं कि बॉस देखो ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए. Really? We have done that many times कि ये गाड़ी तेरे लिए नहीं है, तू अभी ये गाड़ी ले. आप अपना बिजनेस में ये थोड़ा सा दोस्ती यारी में we wanna sleep peacefully. We don't want that's so मेरी वजह से कोई कस्टमर आज गाड़ी ले जाए और तीन दिन बाद बोले यार कि इसने मुझे बतानी तब तो मैं अफोर्ड नहीं करता. Not everyone is like that. Yeah. So we don't want anybody to be in trouble because of me. I wanna मेरे पास दो पैसे कम होंगे, मैं शांति से सोऊंगा. I'm happy. Very nice. Student, I mean, especially students, and we hear these scams. And not all dealers don't do this. Like, it's not that all dealers do it. मतलब कई बार किसी dealer पे कोई sales consultant कर देता है for that. But usually भी हमारा, I think हमने एक बार after 3 months हमने analyze किया था कि क्या चल रहा है business. तो उसमें हमने ये realize किया कि I think हमारा second या third highest reason of not being able to sell is because तनवीर लोगों को बोलता था भाई अभी गाड़ी मत ले. हमारे पास एक बंदा आई थिंक मार्च में हमारे पास एक बंदा आया, उसने बोला गाड़ी लेनी है. हमने उसको बोला भाई तेरे पास नौकरी है? कहता नहीं नौकरी नहीं, अभी गाड़ी लूंगा, ऊबर चलाऊंगा. तो हमने कहा अभी गाड़ी मत ले. वो हमारे पास ही काम करने लग पड़ा इवेंचुअली. और फिर उसने 3 महीने बाद फिर उसने बोला पाजी अब गाड़ी ले लूंगा. अच्छा, ले ले यार, देख ले तू. No, but that is a very sweet gesture. I completely understand. Aapka kya has to do it. Yeah. People have to look out for people, right? Yes. Government's wrong. That is very nice. You think of it, जब मैं 18 साल का था, मुझे पैसे कैसे खर्च करना नहीं पता था. मेरे पास जितने पैसे थे मैं सब उड़ा देता था, right? And then when students are coming into this country, we need to draw a line. It's their first job. They don't know how to manage their expenses. Correct. कुछ नहीं पता था. Yeah. There is one chance where I can help someone to make him understand कि तेरे को ऐसे चलना चाहिए. कहीं के समझ आ जाता है. Big brothers नाम रख दीजिए. Big bros, Cowboys, big bros. और मतलब वही है वो अभी, मतलब because अगर पहली बार अपने घर से बाहर आते हैं, कभी लोन नहीं लिया है, कभी ये नहीं पता हाउ डज फाइनेंस वर्क. और कस्टमर आते हैं उनसे, वो हमको कहते हैं कि मेरे को 220 बाई वीकली पे वो गाड़ी मिल रही है. उनको हम बोलेंगे लेकिन कितने साल का लोन है ये तो नहीं पता, गाड़ी कितने की है ये तो नहीं पता. उनको सिर्फ एक नंबर बता दिया 220 है, वो उस नंबर को लेके हर जगह कंपेयर कर रहे हैं. और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, जब लोग फाइनेंस पे भी उठाते हैं या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसे लीज, उनको ये भी नहीं पता है कि एक सर्टेन किलोमीटर्स पे ही वो ड्राइव कर सकते हैं. इनफैक्ट वो बच्चे शायद वही एक अमाउंट के पीछे भाग रहे हैं. लीज ऑलवेज हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शंस. You have to return the car back to them within certain kilometers. Correct. It's not always a good option for everyone. I'm not saying it's bad for everybody. जिनके low running है, अपने businesses हैं, उनके लिए फिर एक बारी के लिए ठीक है. But then yeah, when you trade in that car, you don't get any tax benefits on lease versus finance. And lease में भी मतलब ऐसा नहीं है. It is not that always lease makes more sense. Interest rate पे बहुत depend करता है. There was a time जब COVID चल रहा था, उस time पे गाड़ी नहीं थी. Leasing a car was by far the most expensive option. Renting was very easy. Yeah, लेकिन अभी जैसे pre-owned की मैं बात करूंगी तो what's the reason कि इसमें rate of interest as compared to a new car थोड़ा सा ज़्यादा होता है? What is the actual reason कि क्या? वो भी ना बहुत मार्केट मतलब टाइम टू टाइम इस टाइम पे आई थिंक सिमिलर है. लाइक आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. जो न्यू कार डीलर्स होते हैं ना, उनकी अपनी इन हाउस फाइनेंसिंग होती है. फॉर एग्जांपल होंडा, ह्युंडई हैव देयर ओन फाइनेंस कंपनी. आई एज अ यूज्ड कार डीलर वी यूज बैंक्स. अगर आप किसी न्यू कार डीलर पे भी जाके बैंक से फाइनेंस लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट सेम मिलेगा, वेरी नाइस, राइट? लेकिन अगर आप होंडा के डीलर पे जाके
And then these in-house companies decide their own interest rates. For example, I don't think so Honda and Toyota have to reduce the rates because unko pata hamari gaadi bikti hai. Exactly. Aapko interest rate kaun kam dega jinki gaadi nahi bikti. You go to maybe Nissan or some other companies jinki gaadiyan baakiyon se kam bikti hai. They'll have their in-house financing to promote the sale of their own vehicle. Okay. They'll give you lucrative interest rates ताकि आप उनसे गाड़ी ले लो but अगर आप निसान के शोरूम पे जाके आरबीसी बैंक से लोन करा रहे हो आपको इंटरेस्ट रेट कम नहीं मिलेगा क्या बात है वैसे ही जैसे मैं नॉलेज के यहाँ पे बात कर रही थी कि ऐसे कुछ ऐसे टफ कस्टमर्स आते हैं आपके पास जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं जैसे मैं स्टूडेंट्स की भी बात कर रही थी कि वो एक सर्टन अमाउंट के पीछे भाग रहे हैं ऐसे कुछ टफ मतलब इट इज अ बिग डिसीजन राइट इट इज अ टफ डिसीजन यू स्पेंडिंग और ओवरऑल टाइम में आप whatever 20-30-40,000 आप खर्च रहे हो it should be a difficult decision. I think tough customer कई बार वो होता है जिसको ये नहीं समझ आता है कि वो $40,000 की गाड़ी ले रहा है और वो आके कहता है ये वाली गाड़ी दे दो तो उनको एजुकेट करने में कई बार हम वो कर देते हैं यार कि क्यों इसको एजुकेट कर रहे हैं वो जब कह रहा है मेरे को तो टफ कस्टमर की ना डेफिनेशन कई बार कस्टमर को पता होता है मुझे क्या लेना है लेकिन बिकॉज इट इज अ बिग डिसीजन दे हैव टू देर आर सो मेनी कॉस्ट लाइक देर इज इंश्योरेंस है ऊपर देर इज कार का बाय वीकली जाता है तो बहुत बार कस्टमर्स ये वो कंसोलिडेट नहीं करते हैं इस इंफॉर्मेशन को और फिर बाद में करते हैं कई बार वो एक सीरीज होती है यूजली आई थिंक इट इज अ बिग डिसीजन आई वुड बी अ टफ कस्टमर इफ आई वेंट आउट टू बाय अ कार आई वुड वांट टू मेक श्योर कि मुझे सब कुछ पता है गाड़ी के बारे में मुझे एक एक आंसर पता है and I think that's what we try to do like try and answer Educate as many them. questions yeah. or just answer as many questions it gets tough when the customer gets confused jab aap unko aisi information de do ki wo confused ho jaye ki main yahan jaun ya yahan jaun wahan jaun that is when it gets tough for the customer and for the seller both of them as long as you know why you want a car and what is the requirement of your why has to be clear once your why is clear you'll never be a tough customer why Neither will you have a problem buying a car. You'll know मुझे क्यों लेनी है। अच्छा, car boys में एक अच्छी family car कौन सी वाली है आपके पास? Like a family car, अच्छी spacious और good budget. Honda CRV, I guess. Honda CRV, Toyota Camry, Hondas and Toyotas and Kias. Asian cars are usually hassle free. ऐसा नहीं है कि American cars में hassle आती है। ये बहुत perception है यहाँ पे कि मतलब सिर्फ टोयोटा और होंडा लेनी चाहिए ऐसा नहीं मतलब यूएस चल रहा है यूएस में नॉर्थ अमेरिका में नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री सेलर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स पर आई थिंक अगेन बहुत कस्टमाइज्ड कॉन्वर्सेशन है बट यूजुअली आई थिंक टोयोटाज होंडाज दे आर वेरी दे डोंट गिव एनी प्रॉब्लम्स एंड देयरफॉर पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है फैमिली को मैं जब जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड अबव ऑल इट्स अबाउट हाउ यू मेंटेन द कार लाइक वी बोथ ड्राइव यूरोपियन कार्स हम नहीं चलाते एशियन गाड़ी मैं कभी एशियन गाड़ी नहीं चलाऊंगा मुझे मजा ही नहीं आता एशियन गाड़ी चलाने ओह सो आप कौन सी वाली गाड़ी चलाते हैं मेरे पास ऑडी है ओके राइट एंड इट्स अ 2017 मॉडल इट्स 7 ईयर ओल्ड कार मुझसे आज तक उस गाड़ी ने एक रुपए का काम नहीं किया आर यू सीरियस आई हैव जस्ट सर्विस्ड इट ऑन टाइम दैट्स इट Wow. People say they are expensive to maintain. It was never expensive to maintain for me. It's you who make it expensive to maintain. तो car boys ने आपको एक साल की वारंटी दी? I hope तब car boys होता जब मैंने वो गाड़ी ली. Better price पे दे देता. और आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं बहुत impractical गाड़ी चलाता हूँ. मैं I as long as गाड़ी मैं मेरी पहली गाड़ी Skoda Fabia थी जो इंडिया में कोई नहीं खरीदता था और वो कहते थे कि बहुत problem देती है और बहुत problem दी उसने. लेकिन मैं उसको जब भी चलाता था तो मुझे मजा आ जाता था 3.8 लीटर वाली तो नहीं थी मैंने उसके बाद मैंने एक हैचबैक बेच के फिर एक हैचबैक ली मेरी वाइफ ने बोला कि मतलब ऐसा कौन करता है कि कभी लाइफ में अपग्रेड नहीं हो हैचबैक मैं बहुत इंप्रैक्टिकल गाड़ियां चलाता हूं ओह वाओ इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू जॉब विद यू आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त वी हैव अबाउट 3 पीपल हु आर वर्किंग विद अस एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे साथ फुल टाइम बेसिस पे काम नहीं करते बट दे आर एसोसिएटेड विद अस And वो हमारे लिए contract basis पे काम करते हैं contract basis पे काम करते हैं yeah I want to talk about supply chain जिस तरीके से अभी you know we've been facing a little problems with the supply chain आपके industry पे किस तरीके का impact आता है regarding the inventory या motor parts is it difficult बहुत actually ना बहुत macro economic conversation है ये मतलब the challenge with supply chain is that it is manipulated by a lot of people like न्यू कार डीलर्स कैन मैन्यूपुलेट दी सप्लाई चेन इन यूज कार इंडस्ट्री इतना मतलब विंटर्स में बहुत बार न्यू कार डीलर्स गाड़ियां बेचना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा वो इसलिए करते हैं क्योंकि
क्योंकि मतलब वो भी अपना इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम रखना चाहता है और फिर सडनली फ्लड कर देंगे. तो सप्लाई चेन मोर देन एनीथिंग एल्स, अनलेस कोविड हो जाए, कुछ हो जाए, मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज अ बिजनेस डिसीजन और बहुत बार मैनिपुलेट की जाती है. ऑलराइट, बट यूजुअली आई थिंक हो जाता है. मतलब देयर आर वेज, वी ट्राई एंड सोर्स कार्स फ्रॉम डिफरेंट, लाइक वी हैव 3-4 डिफरेंट सोर्सेज, और आई थिंक द इंटेंट is to find cars that are clean and then stick to those. So, matlab hamara वैसे भी focus is not volume, like we're not trying to do 150 cars, right? Right. Mm-hmm. So, but जब हम इस business में घुसते थे, जब हम लोगों को कहते थे हम used car dealership खोल रहे हैं, everybody I knew asked me the same question कि गाड़ियाँ कहाँ से लेगा? लेगा कहाँ से? Right? Yes. And then मेरा सबको ये जवाब होता था कि मेरे को 150 गाड़ी नहीं चाहिए. अगर मैं 30 साफ गाड़ी पूरे कैनेडा में नहीं ढूंढ सकता, हाँ, तो फिर मेरे को इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए. एंड वी आर एबल टू डू दैट. ऐसे नहीं है हमारे पास इन्वेंटरी की कमी है. यू जस्ट हैव टू फाइंड 30-40 गुड कार्स टू सेल और वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है द राइट प्राइस. एज यू सेड, इन्वेंटरी शॉर्टेज इज एक्चुअली, अगर मेरे पास आज इन्वेंटरी खड़ी है, अगर मैं बिना उस इन्वेंटरी को खड़ी की आपको गाड़ी बेच सकता हूँ, सो मैं उस अपने $500,000 के ऊपर इंटरेस्ट क्यों भरूंगा? बट ऐसे ही होता है. मतलब कभी भी सप्लाई चेन, अनलेस इट इज एन एक्चुअल सप्लाई चेन इशू, कहीं पे शॉर्टेज हो गई है, दैट्स यूजुअली अ बिजनेस रीजन कि अभी अभी बनाना बंद कर दो, अभी थोड़ा प्राइस बढ़ने दो, फिर देखते हैं. तो बट मिल जाती हैं. एंड जनरली यूज्ड कार डीलर की न्यू कार डीलर से इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एंड बहुत हाई होती है, राइट? सो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, यस, नॉर्थ अमेरिका में न्यू कार सेल्स से यूज्ड कार सेल्स का रेशियो इज 1:1.8. यूज्ड कार सेल्स सेल 80% मोर. राइट, अगर आप एक होंडा के डीलर के पास जाओगे, उसके पास 5 होंडा की गाड़ी है, वो सबकी एक एक खड़ी करेगा डिस्प्ले पे. बट अगर एक यूज का डीलर के पास जाओगे, ही हैज टू कैरी ऑल द ब्रांड्स, ऑल द, यस, क्योंकि किसी में, मतलब किसी में बंपर में माइनर सा स्क्रैच किसी को पसंद नहीं आया. यू हैव टू शो ईच एंड एवरी कार, दे हैव टू ड्राइव इन ईच एंड एवरी कार. न्यू कार में एवरी कार लुक्स द सेम, यस, बट एंड देयरफॉर मैं वही कह रहा था, लाइक द operational efficiency in this business is very, very, very tough. I can actually, the moment I'm talking to you, मुझे realize हो रहा है कि actually ये कितना tough business हो सकता है. और आपने तो बिल्कुल risk taker की तरह, you just started it, and I'm really hopeful कि आपका business अच्छे से boom करे. मैं जाते जाते कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगी related to scams की. Scams की जब हम बातें कर रहे थे, industry में और किस तरीके के scam customers के साथ हो रहे हैं, and also customers are also doing scam with you. जैसे आप कह रहे हैं dealership से उठा के ले जाई जा रही है गाड़ी. एक मेरा friend है जिसने कहा कि आप believe नहीं करोगे, गाड़ी नहीं उससे हो रही थी सेटलमेंट, तो वो छोड़ के ही चला गया. And he left the country. That is very common. Last year there were hundreds of cars that were found parked at YYZ airport. Yeah. जिनके ऊपर लोन थे. After that, one of the top 5 banks ने अपना used car, उन्होंने अपना car loan division ही बंद कर दिया. It's one of the top 5 banks of Canada. They don't do car loans anymore. After that incident. Gotcha. So that is one type of scam. Other type of scam is, which is a loophole in the system. Unlike India, आप यहाँ पे गाड़ी loan के साथ बेच सकते हो. Right? So people who don't know, अगर मेरे को 30,000 की गाड़ी मार्केट प्लेस पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे 30,000 की गाड़ी 15,000 की मिल रही है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि भाई सस्ती गाड़ी मिल गई, और जब मुझे लेने के बाद पता चला कि मैंने 15,000 तो दे दिया लेकिन 30,000 का लोन और भी है जो मुझे ही भरना है. और ट्रिकी पार्ट ये है कि बहुत बार डीलर्स, मतलब एक डीलर्स भी स्कैम हो जाते हैं इन दिस. लाइक इफ यू डोंट फॉलो दोस 10-15 स्टेप्स, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट स्टक स्कैम. और मार्केट प्लेस पे बहुत इजीली होता है ये. मार्केट प्लेस पे क्योंकि लोग मैक्सिमम, मैंने देखा हमें कितने ज्यादा ऑप्शंस, व्हाइल वी वर बाइंग आवर कार वी वर गिविंग दिस ऑप्शन, मार्केट प्लेस से क्यों नहीं ले लेते, बहुत आसान है, अरे 3,000 में मिल रही है वहां तो गाड़ियां. But you don't understand कि किस तरीके का स्कैम आपके साथ हो सकता है. After all, आप थोड़ी ना करने जाएंगे उसकी बैक. जब हमने बिजनेस शुरू किया था, पहली जगह जहां हमने सोचा कि हम गाड़ी सोर्स करते हैं, दैट इज मार्केट प्लेस. हमने एक हफ्ते के बाद सोच लिया कि हम यहाँ से गाड़ी नहीं खरीद सकते. हमें गाड़ियां दिखाएंगी जिनके कारफ्लेक्स नकली थे, Oh. जिनके किलोमीटर घुमाए हुए थे, जो गाड़ी बेच रहा है मास्क पहन के आया हुआ है. जैसे हमें पता चला कि किलोमीटर सही, गाड़ी में बैठ के भाग गया. हमें गाड़ी दिखाएगी जिसके ऊपर लोन था और हमें कहा था कि नो लोन है गाड़ी है. Oh हमें गाड़ी दिखाएगी जिसका टाइटल रीबिल्ट था लेकिन उसकी ओनरशिप में चेंजेस किए हुए थे.
एवरी टाइम ऑफ स्कैम वी हैव सीन. वाओ. और हमें तब पता चला कि हम एज अ डीलर इतनी सारी चीजों से एक हफ्ते में जा चुके हैं. Then what about the customers? गाड़ी खरीद रहे हैं, how many, क्या चांसेस आप तो फिर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आए हैं. Oh my God, that's so sad, right? I mean, ऐसे टाइम पे I think industries में इस तरीके के डीलर्स, आप जैसे डीलर्स का होना बहुत जरूरी है. You said कि कई बार तो हमारी इसलिए बिक्री नहीं हो पाती क्योंकि यही इतनी सारी गाइडेंस दे देते हैं, which is so needed as a customer. मैं चाहती हूँ, मैं चाहूँगी पर्सनली कि आप मुझे गाइड करें मेरी इस कार जर्नी में, क्योंकि मैं सिर्फ कार लेने नहीं आई हूँ. इट्स एन इमोशन फॉर मी even if it's a used car. Sure. So thank you so much car boys, I think you're doing a fantastic job. jaate jaate aap mujhe ek aur baat bata dijiye ki market mein abhi kya trend chal raha hai aur aap bhi kahin na kahin in future usse, you know, you would like to touch it aur aap bhi karna chahengi ya expansion aapne agar kuch socha hai to. Trend in what sense? Market mein koi trends car se related. We always want to be a boutique car dealership. हमें कभी भी मास नहीं बेचना, विच वी आर वेरी श्योर. हम हमेशा कम साफ अच्छी गाड़ियाँ, डिफरेंट गाड़ियाँ में भी बेचना, डिफरेंट कार्स. या वी ऑलवेज वांट टू ब्रिंग 1960s कार्स एंड रीस्टोर क्लासिक. एट द कोर वी आर लाइक वी आर वेरी रोमांटिक, लाइक वी रोमांटिसाइज अबाउट. हाउ विल यू डू दैट? आई एम रियली एक्साइटेड टू नो. मतलब काफी टफ होगा. हमें भी नहीं पता कि वो कैसे करेंगे, बट इन नियर फ्यूचर यू आर ट्राइंग टू. दैट इज वेयर वी वांट टू बी, बट द इंटेंट इज टू बी अ ब्यूटीक यूज्ड कार डीलरशिप एंड नॉट. यू नो व्हाट, इट्स गोना बी सो अमेजिंग इफ यू, अगर आप somehow you manage to do it, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरेस्ट है ऐसी क्लासिक कार्स में. आपकी कोई फेवरेट क्लासिक कार जो आपको अच्छी लगती है, सपने में आती है आपके रोज? मुझे एक कार जो बंद हो चुकी है, Volkswagen Scirocco, बहुत पसंद है. अगेन इट इज अ हैचबैक. माय वाइफ वुडंट अप्रूव ऑफ इट, बट आई विल, या होपफुली आई विल, यू विल ट्राई टू. अच्छा, क्योंकि हम यहाँ हाईवे पे देखते हैं इस तरीके की कार एकदम से ना, वैसे so that wow के लिए भी लोग पे करने के लिए तैयार. बहुत फैंसी गाड़ियां पसंद है. I would probably restore a 1960s Mustang. Yeah, maybe a 69 Mustang. Yeah, convertibles and all. Okay, that is very nice. Yeah, I'm really excited to actually know कि आगे किस तरीके का future में, you know, you showcase your cars. अब कह रहे boutique होगा. और अभी promotion wise आप दोनों reels बनाते हैं अकेले या हाँ भी influencer वाली उस दौर में जाने वाले हैं? अभी तो हम खुद ही इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं. That's very good. I hope लोग हम ही से इन्फ्लुएंस हो जाएं. Why not? Yeah, right? You have the knowledge after all. You're the brain. तनवीर सुंदर भी दिखता है. आप तो मुझे विराट कोहली वाली वाइब दे रहे हैं. आपको कभी किसी ने कहा है that you look a little like विराट कोहली? बहुत परेशान हो गया हूँ मैं. लॉ सूट करने वाला हूँ मैं. एक बार तो अनुष्का ने कह दिया था कि तुम विराट कोहली जैसे लगते हो. चलो घर तुम्हें बताती हूँ. एक्चुअली आपका भी एक लुक है, बट मेरे दिमाग में वो आ नहीं पा रहा है वो नाम, बट इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट. आई प्रेफर टू बी ओरिजिनल. अच्छा नहीं आ रहा तो. इट्स अ वेरी फन कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, बट ऑफकोर्स हम जो जो पॉइंट टच कर सकते थे, जो मुझे ऐसा लगता है एज अ कंज्यूमर आई वुड वॉन्ट टू नो, वो हमने टच करी हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क देम, Why don't you do one thing? हमें comment करिए, हमें messages कर सकते हैं, car boys को reach कर सकते हैं. After all, it's a collaboration. और गाड़ी लेने का मन कर रहा है, finance थोड़ा सा डगमगा गया है. Why not go for a pre-owned car? It's always a better option, cost-effective भी, and at the same time आगे पैसे भी बचाएगी और आपको खुश भी रखेगी. और हाँ, बहुत सारे बथेरे reasons हैं. So go to car boys and keep watching Canada TV. This is me, Amrit, signing off. Bye. आप भी कुछ bye बोलना चाहेंगे? Thanks guys, follow us on thecarboys.ca on Instagram, and our website is thecarboys.ca. Carboys.ca, as simple as that. So keep watching. Thank you.